जय गुरुदेव बच्चों, कैसे हो आप सब? तो बच्चों, आपको याद है लास्ट क्लास में हमने कौन सी मात्रा सीखी थी? तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं। ये है बड़ी ई और ये है बड़ी की मात्रा। तो हमने बड़ी ई और बड़ी की मात्रा सीखी थी। बच्चों, आज हम फिर से एक बार छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा रिवाइज करते हैं। तो बच्चों, ये है छोटी की मात्रा। तो छोटी की मात्रा हम कहाँ से लगाते हैं? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से लगता है और बड़ी की मात्रा राइट हैंड साइड की तरफ से। तो ये है छोटी की मात्रा और ये है बड़ी की मात्रा। तो बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है कि छोटी की मात्रा लेटर के पहले लगती है और बड़ी की मात्रा लेटर के बाद लगाते हैं। तो जैसे क में छोटी की मात्रा कैसे उच्चारण करेंगे, इसका कैसे प्रोनाउंस करेंगे? कि, इसकी आवाज छोटी होगी क्योंकि ये छोटी की मात्रा है। और क में बड़ी की मात्रा तो कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको? की, इसकी आवाज लंबी होगी। क्यों? क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है। तो क में छोटी की मात्रा की, क में बड़ी की मात्रा की। बच्चों, पहचानो ये किस चीज का चित्र है? यस, ये है मछली। तो बच्चों, मछली जब लो के आगे कौन सी मात्रा लगी है? बड़ी की मात्रा, इसीलिए ल की आवाज लंबी हो जाती है, मछली। तो बच्चों, अब हम मछली की कविता सीखेंगे, तो चलो सुनते हैं। बच्चों, कैसी लगी कविता? अच्छी? तो आप भी इस कविता को सीखिए। अब हम बड़ी की मात्रा के कुछ और शब्द सीखेंगे, तो चलो देखते हैं। बच्चों, ये है ई, इसे हम बड़ी भी कहते हैं। ई और ई की मात्रा। तो बच्चों, अगर क में बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो आवाज़ कैसे बदल जाएगी क की? आवाज़ हो जाएगी क की। क में बड़ी की मात्रा की, आवाज़ क की लंबी हो जाएगी। ख में बड़ी की मात्रा खी। बच्चों, अब हम बड़ी की मात्रा वाले शब्दों के चित्र देखकर उसके नाम बोलेंगे, तो आप भी मेरे साथ बोलिए। किस चीज़ का चित्र है ये? क्या कहते हैं? खीरा। क्या कहते हैं बच्चों? खीरा। क्या है ये? क्या कहते हैं इसे? चीता। कौन सा फल है ये? कौन सा फ्रूट है? लीची। क्या कहते हैं इसे? लीची। घड़ी। घ ड़ में बड़ी की मात्रा, घड़ी। किस चीज का चित्र है बच्चों? नदी। क्या कहते हैं इसे? नदी। बच्चों, अब हम बड़ी की मात्रा वाले
शब्दों के। दीपक, द में बड़ी की मात्रा दी, प, क, दीपक। पपीता, प, प में बड़ी की मात्रा पी, ता, पपीता। किस चीज का चित्र है ये? बकरी, ब, क, र में बड़ी की मात्रा। तो बच्चों आपने देखा कि बड़ी की मात्रा हमेशा व्यंजन के बाद लगती है। तो कौन सा शब्द हो गया ये? बकरी। लकड़ी, ल, क, ड़ी, लकड़ी। बच्चों आप अपने हिंदी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 20 ओपन कीजिए। अब हम ई से शुरू होने वाले शब्दों को पढ़ेंगे। तो ई, ई के नीचे डॉटेड लाइन में ई लिखा हुआ है, उसे आपको ट्रेस करना है और उसमें रंग भरना है। अब बच्चों बताओ ये किस चीज़ का चित्र है? क्या है ये? ईख। क्या कहते हैं इसे? ईख। ईख मीन्स शुगर केन। दूसरा चित्र देखो, किस चीज़ का चित्र है ये? आपने देखा होगा ईद। क्या है ये? ईद। ईद एक फेस्टिवल है। अब हम दो अक्षर और तीन अक्षर वाले शब्द पढ़ेंगे। ईद, ईख, ईश, ईशा, नई। बच्चों आप भी मेरे साथ रिपीट कीजिए, इन सब शब्दों को दोहराइए। गई, लाई, नाई, आई, भाई, दवाई, सलाई, मिठाई, लिखाई, पढ़ाई। तो अभी हमने बड़ी ई से शब्द पढ़े। आप इन सारे शब्दों को पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। सेम पेज, ये किस चीज़ का चित्र है बच्चों? आपको इस चित्र में रंग भरना है और इसका नाम लिखना है। तो आप सब जानते हैं ये किस चीज़ का चित्र है। आपको अपने आप ही ये करना है, इसमें रंग भरकर इसका नाम लिखिए और इस चित्र में कलर कीजिए। पेज नंबर 21, ई और ई की मात्रा। तो बच्चों पहला चित्र क्या है इसमें? मछली। तो अब हम बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़ रहे हैं, मछली। इसमें बड़ी की मात्रा कौन से अक्षर में लगी है, कौन से व्यंजन में लगी है? ल में। ल के आगे बड़ी की मात्रा लगी है, तो म छ ली, मछली। दूसरा चित्र क्या है बच्चों? आपको दिखाया था मैंने, कील। क्या है ये? कील। नेक्स्ट चित्र क्या है? किस चीज़ का पिक्चर है ये? कौन सा जानवर है? चीता। क्या कहते हैं इसे? चीता। दूसरा चित्र पहचानो और बताओ किस चीज़ का है? खीरा, कुकुम्बर। क्या है ये? खीरा। सेम पेज, अब हम बड़ी की मात्रा वाले कुछ शब्द पढ़ेंगे। तो पहला है खीर, जीभ, चील,
नीम, गीत, कली, नदी, दही, परी, दरी, गर्मी, मठरी, सर्दी, धरती, तितली। तो बच्चों, इन सारे शब्दों को आपको अपने आप पढ़ना है और प्रैक्टिस करना है। अब हम चित्र को देखकर शब्दों को पूरा करना है, बड़ी की मात्रा लगाकर शब्द पूरे करने हैं। ई की मात्रा लगाकर चित्र का नाम पूरा करो। तो पहला चित्र किस चीज़ का है? क्या है? दीपक। तो कहाँ पर लगेगी बड़ी की मात्रा? द के आगे, द में बड़ी की मात्रा, दी प क, दीपक। नेक्स्ट चित्र किस चीज़ का है बच्चों? स्क्विरल। किस चीज का चित्र है बच्चों? स्क्विरल। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? गिलहरी, गिलहरी। तो र में बड़ी की मात्रा। नेक्स्ट लास्ट चित्र क्या है, पहचानो, क्या कहते हैं इसे? ऑयस्टर, सीशेल। इसमें से क्या निकलता है? मोती, पर्ल। तो हम क्या कहेंगे इसे? सीप। स में बड़ी की मात्रा, सी प, सीप। सीप में से मोती निकलता है, क्या निकलता है? पर्ल। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप इन सारे शब्दों को अपने आप पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय गुरुदेव।